दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने आधार का डॉक्यूमेंट अपलोड यानी कि अपडेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते होंगे कि आपका आधार का प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये आपको अलग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो ये काम कैसे आप फ्री में कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, एकदम फ्री में कैसे आप कर सकते हैं, यही मैं आज के वीडियो में बताऊँगा। साथ ही लास्ट डेट भी बताऊँगा कि कब तक ये काम आप फ्री में कर पाएंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो देखिए, हमें किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र पे जाके myaadhar.uidai.gov.in इस वाले पोर्टल पे आना है। देखिए, माई आधार के एकदम ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हमें लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमें अपना आधार नंबर लिखना है सबसे पहले ऊपर। उसके बाद नीचे देखिए, जो कैप्चा कोड दिया गया है उस कैप्चा कोड को सही तरीके से लिखना है। लिखने के बाद देखिए, सेंड ओटीपी ऑप्शन यहाँ पे है, तो हमें सेंड ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते आपके आधार से लिंक्ड जो मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला आएगा। तो सिंपली उस ओटीपी को आपको यहाँ पे लिखना होगा। ओटीपी लिखने के बाद देखिए, लॉगिन ऑप्शन दिया गया है, तो हमें लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए, हम अपने आधार में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे डैशबोर्ड में सबसे पहले ही देखिए आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट्स अपडेट। यहाँ पे देखिए, फ्री में लिखा गया है 14 दिसंबर 2023 तक ये सर्विस एकदम फ्री है। तो इस पर क्लिक करते ही देखिए, यहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइंस दिखाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी देखिए, आपका जो आधार डिटेल्स है, मतलब आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सब यहाँ पे दिखाएगा। तो आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सब एकदम बराबर एकदम सही है या नहीं। अगर है तो नीचे जो टिक मार्क दिया गया है, इस टिक मार्क पे क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट बटन पे अभी क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ पे देखिए, आपको दो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। पहला क्या है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं, देखिए डॉक्यूमेंट ये 2 MB के अंदर करना है, JPG, PDF इस फाइल में। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के मामले में यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स का नाम यहाँ पे लिखा गया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे पैन कार्ड है, यहाँ पे देखिए SC ST सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, राशन कार्ड है, यहाँ पे पासपोर्ट है, गवर्नमेंट ID कार्ड है। यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑप्शन है, आपको एक एक करके देखना होगा आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स एकदम तैयार है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार है, देखिए मेरे पास वोटर कार्ड है, तो वोटर कार्ड को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे नीचे देखिए व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। फिर कंटिन्यू टू अपलोड पे क्लिक कीजिए। फिर आपका वोटर कार्ड का, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करना चाहते हैं, उसको PDF या फिर JPG में कन्वर्ट करके रखिए पहले से ही, उसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करते देखिए वो अपलोड हो जाएगा। फिर आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस अपलोड करना होगा। इसके मामले में भी क्या क्या डॉक्यूमेंट सपोर्टेड है, उसका लिस्ट यहाँ पे क्लिक करते आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको मांग रहा है, उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप पहले से तैयार करके रखिए, मतलब स्कैन करके PDF या फिर JPG फॉर्मेट में तैयार करके अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल में रखिए। तो यहाँ पे देखिए, फिर से मैं वोटर कार्ड ही सिलेक्ट करूँगा क्योंकि वोटर कार्ड मेरा ऑलरेडी रेडी है। तो यहाँ पे वोटर कार्ड सिलेक्ट करने के बाद व्यू डिटेल्स एंड अपलोड पे क्लिक करके सेम वोटर कार्ड का जो PDF फाइल है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। तो देखिए अपलोड हो चुका है, यहाँ पे ग्रीन कलर में आ चुका है। अभी देखिए, यहाँ पे नीचे जो टिक मार्क दिया गया है, इस टिक मार्क पे मैं अभी क्लिक करूँगा, मतलब कि मैंने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वो एकदम सही है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। फिर यहाँ पर हमें ओके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर ओके ऑप्शन पर क्लिक करते ही देखिए एक नया पेज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका, देखिए एप्लीकेशन जो है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के आपने एप्लीकेशन किया है, उसको अभी यहाँ पे सबमिट करना होगा। देखिए यहाँ पे सबमिट ऑप्शन है, तो सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट पे क्लिक करते ही नया पेज आएगा। यहाँ पे देखिए 15 सेकंड के अंदर आपका जो
एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद देखिए डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट में जाके आप एक जो एप्लीकेशन था उसका एक्नॉलेजमेंट आप बराबर डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे आपको SRN नंबर ये वगैरह आपको मिल जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्द से जल्द अपना आधार डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए।